हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशली जो नोटिफिकेशन है भर्ती का, वो फाइनल रूप से आ चुका है। कैसे अपन चेक करना है कि नोटिफिकेशन क्या कहता है, क्या उसकी डेटेड रही है, पूरी की पूरी जो डिटेल है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको गूगल पे ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट खोलना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट खोलने के बाद आपको कैप्चा लगाना है। कैप्चा लगाने के बाद लाडलो अपने को पूरा इस प्रोसेस को देखना है कि क्या अपने को यहाँ पर करना है। ये लो साहब, हमने साइट को लिया है, साइट आ गई। इसके बाद में अपने को यहाँ चलना है। साइट चलोगे तो यहाँ देखो स्पेशली दे रखा है रैली के लिए नोटिफिकेशन। देखो जेसी और अग्निपित एंट्री के लिए यहाँ पर कुछ विशेष नोटिफिकेशन दे रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पर लेटेस्ट जो अग्निपथ है वहाँ सब की देखो 2000 एआरओ आगरा, ठीक है, फिर एआरओ अजीवाल, एआरओ अल्मोरा, अमेठी, इसके अलावा बरेली, बैरमपुर, लखनऊ, मेरठ, रंगपुर, वाराणसी, इसके अलावा शिलोंग के अलावा यहाँ पर इसके अलावा बिहार का दे रखा है, बिहार के अलावा कोयम्बटूर का दे रखा है, गुंटूर का दे रखा है, जोरहाट का दे रखा है, मुजफ्फपुर है, नारायणगंजी है, रंगपुर है, सिकंदराबाद है, सिलचर है, कई सारे यहाँ पर देखो सबका आ रखा है यहाँ पर, है ना। जो जो चेन्नई का है, तिरुचिरापल्ली का है, इसके अलावा शिलोंग का है, विशाखापट्टनम का है, ये कई सारे हैं भाई नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इस साइट पे जाके चेक कर रहे हैं जो भी आपका एआरओ है, कई सारे एआरओ का नहीं आया है, जिन एआरओ का बाकी है उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप किसी भी नोटिफिकेशन को यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे मान लो अपने को खोलना है, जैसे अभी मैं कहूँ तो मान लो लखनऊ का खोलना है, तो लखनऊ को इसको खोलेंगे, लखनऊ का जैसे नोटिफिकेशन पीडीएफ है इसको अपन खोलेंगे तो पूरी पीडीएफ आपके सामने ऐसे खुल जाएगी, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस दे रखी है। फेज नंबर एक में क्या होगा, अब देखो जो कैंडिडेट कह रहे थे, कई सारे आपको वीडियोस मिल रहे थे फेक, वहां पर भी कई सारी न्यूज़ें आ रही थी। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि गुरुजी सही कह रहे थे। अब पहले इस चीज़ को देखो, उसके बाद कन्फर्म हो। फेज नंबर एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है फेज नंबर दो रिक्रूटमेंट रैली, सबसे पहले आपका होने वाला एग्जाम, बढ़िया तैयारी करनी है, चाहे आप कोई से भी आरओ से हैं, बढ़िया तैयारी करना है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑल कैंडिडेट लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट खोलनी है, फिर वहां पर एलिजिबिलिटी चेक करनी है प्रोफाइल्स में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कह रहा है विल्को कॉमन्स और 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च इनका चालू हो रहा है, 16 तारीख से। कब चालू हो जाएगा, 16, जैसे लखनऊ का मैंने खोला तो 16 से लेकर 15 मार्च तक चलेगा। इसी प्रकार सभी एआरओ के अलग अलग डेटेज दिए गए हैं, तो आपको हर की पीडीएफ खोलनी है। इसमें आपको जो भी पेमेंट वगैरह जो भी करना है उसका देखो 250 रुपये यहाँ पर अब की बार चार्ज रखा गया है, ठीक है ना, 250 रुपये चार्ज है। पूरी की पूरी बातें हैं यहाँ पर दे दी गई है, आप एक एक चीज़ को आराम से यहाँ देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, देखो एग्जामिनेशन के बारे में भी पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, आप आराम से देख लेना। फिर ये क्राइटेरिया क्या है, 10th क्लास के अंदर 45% 17.5 से 21 वर्ष जीडी के लिए, फिर टेक्निकल के लिए 17.5 से 21 है, 17.5 से 21, 17.5 से 21 है ना। इसमें देखो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, साइंस फिजिक्स है ना, ये पूरा देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर आईटी वालों के लिए विशेष है, जो भी है जिसमें भी आपने आईटी कर रखी है, फिटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो डीजल हो, मोटर मैकेनिकल हो, जो भी है आपके पास, ये पूरे प्रफॉर्म है। फिर इसके अलावा कलर के लिए 17.5 से 21 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर इसके 50% चाहिए मिनिमम, ठीक है। फिर देखो अग्निवीर ट्रेड्समैन में 17.5 से 21 है, पिछली बार 23 आ रही थी, अब 21 आएगी। फिर 8th पास में 17.5 से 21 दे रखा है, आप पूरी चीज़ को ध्यान से देख लेना। डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी, ये सवाल सबसे बड़ा रहता है, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच वाले कैंडिडेट ही भर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, 1 अक्टूबर 2002 से
1 अप्रैल 2006 तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें हाइट वगैरह पूरी दे रखी है जीडी के लिए, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से लिखा हुआ है 169, फिर 162, है ना, ये चीज़ें दे रखी है। 77 सेंटीमीटर चेस्ट वगैरह पूरा पूरा दे रखा है। हाइट, चेस्ट और वेट, यहाँ पर किसी को विशेष यहाँ पर छूट दी गई है वो किन को, फौजियों वाले को स्पेशल दी गई है ना, ये पूरी बायोडाटा दे रखा है। इसके अलावा जो विशेष गोरखा वगैरह है उनको भी छूट है यहाँ पर। अब देखो किन के कैसे कैसे अपने को नंबर मिलने वाले हैं, ये भी इसमें पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक है। बोनस नंबर कैसे मिलेंगे, ये बोनस नंबर किसी के 20 नंबर मिल रहे हैं, किसी के 15 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है भाई। सब पूरी की पूरी एक बार ये पूरा बायोडाटा आप पढ़ लेना, ठीक है भाई। इसके बाद एनसीसी के नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पर आपका रिटर्न ए का, बी का, सी का, सबके नंबर है 5, 10 और 20, है ना, सबके अलग अलग है भाई। आपके जीडी में अलग है, फिर ठीक है ना, टेक्निकल क्लर्क में अलग जुड़ेंगे आपके और ट्रेडमैन में अलग जुड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आईटी वालों को 20 नंबर, सबके अलग अलग है। डिप्लोमा वालों को 30 नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे, सबको अलग अलग मिलेंगे यहाँ पर, है ना। ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं आपको आराम से इस पूरे पूरे पीडीएफ में अपने को देखना है ना। ट्रेनिंग सेंटर भी अपने को दे दिए जाएंगे सब, है ना। टोटल यहाँ पर लीव वगैरह पूरी प्रोसेस, सैलरी वगैरह का पूरा पूरा दे रखा है, क्या इसमें सैलरी रहेगी, लास्ट तक क्या मामला रहेगा। तो ये चीज़ें हैं भाई, आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। हर एआरओ अपना अपना ध्यान दे, मैंने वो साइड बता दी है। एक बार मैं वापस चला जाता हूँ आपका, हो तो आपको सबसे पहले ये जो ऐसा पेज दिखे ना, ऐसा पेज दिखे, देखो ऐसा पेज दिख रहा ना, इस पर आप देखो ये पूरा का लेटेस्ट रैली अग्निपथ ऐसा दिखेगा, जितने भी कम से कम अभी यहाँ 20 नोटिफिकेशन से ज़्यादा आ रखे हैं, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।